आपका स्वागत है क्लिप्स बस देखते रहो और टॉप प्लस आप एक इंजीनियर भी हो आ, वहां से आपने इस करियर में स्विच किया पहले तो मैं वो करियर स्विच के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा और सेकेंडली मे बी एक्चुअली यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंडली इकोनॉमिक्स होता क्या क्योंकि हिंदी ऑडियंस के लिए हम पहली बार आ, ऐसी बातें कर रहे हैं एक्चुअली हमारे दैनिक जीवन में इकोनॉमिक्स का काफ़ी लाभ आता है मैं एक छोटा सा उदाहरण से शुरू करता हूँ जैसे आ, हमने ये एक आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें एक चैप्टर लिखा था थाली जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ और आ, मैं देखता हूँ कि कई बार पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी थाली को साइट करते हैं और आ, आ, मीडिया में भी आती है तो एक बहुत बहुत ही आ, सिंपल सा आइडिया था कि यदि आप सोचो आ, क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोज़ भेंट करते हो रोज़ इस्तेमाल करते हो आ, कपड़े आप शायद एक बार पहनते हो दिन में लेकिन जहाँ तक एक थाली की बात आती है तो कम से कम दो तो दो से तीन बार उसको उसको आप थाली से इनकाउंटर करते हो या फिर उसका इस यू नो इस्तेमाल करते हो तो, तो हमने बस ये किया था कि एक थाली का दाम कितना है आ, ज, जो कि उससे उससे ये पता चले कि सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो बजट है कितना जा रहा है खाने में और तो ऐसे ही यदि आप सोचो तो इकोनॉमिक्स जो है आपके पास सीमित साधन है और उस सीमित साधनों का आप किस तरह सब सबसे बेहतर तरीके में उन सीमित साधनों का इस्तेमाल करें बस इतनी सी ही है यदि आप इसका यदि ऑब्जेक्टिव लें इसका जो उद्देश्य है सीमित साधनों को किस तरह आप उसका सबसे अच्छी तरह उपयोग करें बस यही है इकोनॉमिक्स okay. uh, मुझे करेक्ट कर लो इस पूरे कॉन्वर्जेशन में मुझे करेक्ट करो क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर मेरी जानकारी थोड़ी डेफिनेटली आपसे तो बहुत कम है पर जनरली भी थोड़ी सी कम है और मैं सीखने आया हुआ बेसिकली uh, हर देश के पास पैसे होते हैं जैसे हाँ। इंसान के पास बैंक अकाउंट होता है उसी तरह देश के पास भी एक बैंक अकाउंट होता करेक्ट पर उस बैंक अकाउंट की एक लिमिट होती है एक सीमा होती है अभी उस लिमिट के के अंदर आप देश भले के, के लिए और देश के ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकते हो वो होता है एक करेक्ट वो देश के लिए तो आप में देश के बारे में सोचो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है मैक्रो यानी कि आप देश के लेवल पे लेकिन वही चीज आप एक गृहिणी जब अपना बजट बनाती है तो उस पर भी ये इस्तेमाल होता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया ओके okay. जो सिद्धांत हैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो वैसे ही हैं थोड़े थोड़े अलग होते हैं और ये जो मैंने उद्देश्य बताया इसमें एक्चुअली मूलतः मेरे अनुसार सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं सारा जो इकोनॉमिक्स है मेरे अनुसार दो कॉन्सेप्ट्स में आप उसको एक्चुअली डिस्ट, डिस्टिल कर सकते हो उसका मतलब पूरा निचोड़ जो है दो कॉन्सेप्ट में ले सकते हो सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी ऑब सेफ स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आएँ आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बी ओ बाइस एफ टीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट बी ओ बाई सेफ स्किलउस फॉलो आर यूट्यूब चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ टी आर एस एक जैसे आपने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते ठीक <laughs> है ये यानी कि उसको अंग्रेजी में कहा जाए तो बजट कॉन्स्ट्रेंट है okay. कि आप मान लो कि पचास हजार कमाते हो महीने में जी. तो आप वो पचास हजार ही हैं आपके पास आप उधार देने जाओगे तो और बात है लेकिन उधार लोगे तो भी उसको तो चुत्ता करना भी करना पड़ेगा तो पचास हजार आपकी बजट है हुँ. तो वो सीमित है पचास हजार से एक रुपया ज्यादा एक्चुअली पेड़ में नहीं उगे जी 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 ये एक सबसे मूल सिद्धांत है दूसरा सिद्धांत ये कि उस पचास हज़ार का आप क्या करोगे और इस इस पे मैं एक्चुअली एक एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ जैसे हमारे हमारे पापा हमारे मम्मी पापा जो जिस तरह जो बजट कॉन्स्टेंट उन्होंने झेला और जिस तरह उसको उसको उसका इस्तेमाल किया उस वो उदाहरण देता हूँ जब मैं छोटा था तो हमारे पापा एक्चुअली मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ रेलवेस में एक क्लार्क की नौकरी करते थे एक तो, मिनट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपका करंट पोस्ट भी बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि <laughs> लाइफ ने आपको कहाँ तक पहुँचाया बहुत मतलब ईश्वर की कृपा है मैं अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में इससे पहले सौभाग्य था मेरा मुख्य आर्थिक सलाहकार देश के देश का मैं सत्रहवा मुख्य आर्थिक सलाहकार था ई ए सीई ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एग्जैक्टली सी करते क्या एकदम संक्षेप में यदि बताऊं तो जैसे मैं 2018 से 2021 इक्कीस तक तीन साल की मेरी अवधि थी उसमें मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार था जी तो जब महामारी आई उसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या करना है किस तरह की नीति अपनानी है वो सब सोचना और उसमें जो एडवाइस देना आ, उसमें मेरा मेरी भागीदारी थी अब बताइए हाँ। जिंदगी हाँ। के बारे में <laughs> <laughs> एक तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते वो एक मूल सिद्धांत है जी ये सिद्धांत एक गृहिणी के लिए लागू होता है लेकिन एक देश के लिए भी लागू होता है और मैं वो बताऊंगा इसमें जो जो अंतर है लेकिन पहले एक साधारण गृहिणी या साधारण जो एक हाउस होल्ड है उसको लेके अब हम समझें तो दूसरा जैसे मैं कह रहा था कि आपके पास कुछ वेतन आता है मान लीजिए हमारे पापा जब तब नौकरी करते उनके पास शायद सौ रुपया वेतन आता था तो वो जो सौ रुपया है आप उसका उसको कह किस पे आप खर्च करना चाहते हो ये एक दूसरा एक बहुत मूल सिद्धांत है वो सौ रुपया हमारे पापा अपने लिए अच्छे कपड़े ख़रीदने के लिए या फिर अपने लिए जूते ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वैसा नहीं किया उन्होंने उन्होंने एक्चुअली मुझे पढ़ाना मैं पहला हम दो ही हैं तो एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पंद्रह रुपया उन्हें फ़ीस देनी पड़ती थी सौ रुपया में से पंद्रह रुपया एक्चुअली जब मैं सोचता हूँ आज यदि मेरे जो मेरी जो वेतन है उसका पंद्रह प्रतिशत तो यदि मुझे देना पड़े एक बच्चे के लिए तो बहुत उसमें धीरज चाहिए होता है तो उन्होंने चूंकि वो पंद्रह रुपया अपने पे ना खर्च करके उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा तो वो करने के कारण आज मैं इस स्थिति में हूँ तो ये एक्चुअली एक उदाहरण है कि आप उसको फिजूल खर्ची में कर में, में इस्तेमाल करते हो बजट का या कि आप एक्चुअली पढ़ाने में या अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करते हो तो ये दूसरा सिद्धांत है मेरे अनुसार अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में बस यही दो सिद्धांत हैं कि आपके पास एक सीमित बजट है और उस बजट को आप किस तरह इस्तेमाल करते हो जी तो यही चीज़ हमें यदि आप अब देश का देश को लेके समझे समझें तो देश के पास भी एक्चुअली एक बजट होता है आप आप टैक्स लेते हो तो टैक्स से डायरेक्ट टैक्स होती है जैसे इनकम टैक्स होती है हम देते हैं सैलरीडेड जो क्लास हैं हम आंट्रप्रनोर हैं हम सब टैक्स देते हैं कॉर्पोरेशन भी कंपनीज भी, भी टैक्स देती हैं तो डायरेक्ट टैक्स आता है और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हुआ हमने जो खरीदा उसमें टैक्स दिया तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स आता है ये दोनों मिला के आपकी जो मतलब आमदनी है सरकार की आमदनी इतनी उस आमदनी को आप कैसे खर्चा करेंगे वही जैसे अभी मैं जैसे हमारे पिताजी का उदाहरण दिया कुछ सरकार ये कर सकते हैं कि हम मतलब फिजूल खर्ची करें हमने टीवी खरीद के दे दिया लोग बच्चे बैठ के पढ़ने के बजाय टीवी देख रहे हैं या कि उसी को वो पैसा को ले पैसे को लेके जैसे केंद्र सरकार ने किया रोड बनाए ब्रिज बनाए पोर्ट बनाए तो ये जो एसेट्स जब बनते हैं उससे देश का बहुत लाभ होता है तो एक छोटा सा मान लीजिए आप सौ रुपये आप निवेश करते हो इन्वेस्ट करते हो सौ रुपये और सौ रुपये से आपको एक्चुअली सिर्फ नब्बे रुपये आते हैं तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि दस रुपये आपका जा रहा है लेकिन आप सौ रुपये इन्वेस्ट करते हो और उसमें मान लीजिए चार सौ रुपये आते हैं दो तीन साल लगते हैं या चार साल लगते हैं चार सौ रुपये आते हैं तो वो एक्चुअली अच्छी निवेश है यही चीज़ जब आप रेवड़ी बांटते हो सरकार रेवड़ी बांटती है तो जो सौ रुपया जो एक्चुअली निवेश करती है उसमें से सिर्फ नब्बे रुपया आता है इकोनॉमी के लिए hmm. दस रुपये तो इधर उधर चला जाता है लेकिन वही रोड बनाती है पोर्ट बनाती है रेलवेज में डालती है निवेश करती है या फिर एजुकेशन में डालती है हेल्थ केयर में डालती है तो जो सौ रुपया निवेश किया उसमें करीब चार सौ पाँच सौ रुपये एक्चुअली इकोनॉमी में, में जुड़ता है तो आप समझ लो एक्चुअली पास सीमित साधन है उस साधन को आप किस तरह इस्तेमाल करना चाहोगे अच्छी सरकारें उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करती हैं और ये नहीं सोचती कि हम तो सिर्फ पाँच साल के लिए हैं भाई तो हम जो पाँच साल में जो भी होगा थोड़ी दूर की सोच रखते हैं क्योंकि आप एजिए आप एजुकेशन ले लो जी तो एजुकेशन में जैसे उदाहरण देता हमारे पापा हम वो जो पंद्रह रुपया फीस दिए उसका जो लाभ आया वो तो करीब करीब का पंद्रह बीस साल के बाद आया जब मैं पढ़ पढ़ लिख के आया तो तो ऐसे ही एजुकेशन में भी जो दूरदर्शी सरकारें होती हैं वो एजुकेशन में पैसे डालती हैं ये नो ये ये जानकर कि शायद उनको उसका रिवॉर्ड ना आए लेकिन दो तीन सरकार बाद दस पंद्रह वर्ष बाद भी उसका लाभ आएगा देश के हित में सोच के वो करती हैं तो ये अच्छा अच्छी अच्छी नीति हुई लेकिन ख़राब नीति वो हुई कि एक्चुअली आपने सौ रुपया लिया और टेलीविज़न खरीद दिया या फिर, फिर मतलब इधर रेवड़ी बांटने में ये फ्री ये फ्री दे दिया वो फ्री दे दिया और फ्री देने से एक्चुअली लोगों को फिर वो एंटाइटलमेंट बढ़ जा एंटाइटलमेंट बढ़ जाती है तो यही मतलब मेरे अनुसार बस यही दो मूल सिद्धांत है इसको यदि अच्छे से समझ जाए कोई और उसको अप्लाई करे तो अच्छा अर्थशास्त्र आर्थिक नीति बन जाती है दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ